नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंदन झा भी मौजूद रहे। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने बताया कि इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। उसी के अनुपात में सुविधानुसार इस बार सेक्टर की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। पोलिंग पार्टी की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर पॉइंट का चयन किया गया है। चुनाव से एक दिन पूर्व पोलिंग पार्टी रवाना होगी। रात में ठहरने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहां कहां क्लस्टर पॉइंट बनाए जाएंगे, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि प्रलोभन या डरा धमका कर चुनाव को प्रभावित करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए SDO और SDPO को निर्देश दिया गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी आर्म्स के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को चिन्हित किया गया है। चुनाव की घोषणा होते ही सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह दुरुस्त करना है और किस तरह का होल डोमेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट होना है, इस संबंध में एक अच्छा समन्वय बैठक मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के उपस्थिति में हुआ है। और मुख्य बिंदु यही है कि पूर्व के चुनाव के तुलना में इस बार बूथ की संख्या बढ़ा है, तो उसी के प्रोपोर्शन में सुविधा के अनुसार हम लोग इस बार भी सेक्टर की संख्या में बढ़ोतरी किए हैं। और इसके साथ साथ क्लस्टर पॉइंट्स जो चुनाव के एक दिन पहले जो यहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पोज हो जाता है, रात में ठहरने का जगह है, उसको भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सा पॉइंट्स पे क्लस्टर पॉइंट्स बनाना है, उसके बारे में भी डिटेल चर्चा हुआ है। मुख्य बात चुनाव को बॉयकॉट करने के लिए या चुनाव में किसी को प्रलोभ देने के लिए, खास करके चुनाव में वोटिंग करने से अगर किसी को अपने इच्छा के विपरीत अगर किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो वैसे व्यक्तियों को इंटिमिडेटर्स के रूप में आइडेंटिफाई करने का कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। खास करके ऐसे इनोसेंट जन जिनको मिसलीड किया जाता है कि चुनाव में वोट नहीं पार्टिसिपेट करना है, या किसी को अपना इच्छा के विपरीत वोटिंग कराने से डराते हैं या प्रलोभ देते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कठिन कार्रवाई करने का निर्देश भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया है। हमारे संविधान और चुनाव प्रक्रिया को जो भी चुनौती देने वाला है, तो वैसे व्यक्तियों पे कड़ी नजर रहेगी। प्रिवेंटिव एक्शन टेक करने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग का प्रक्रिया भी जारी है। कोई भी एक वर्ग, कोई भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय या वर्ग के द्वारा अगर तंग किया जाता है, चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है, तो वैसे व्यक्तियों को भी आइडेंटिफिकेशन करने का कार्रवाई अभी चल रही है। बहुत जल्दी आर्म्स के संबंध में भी हम लोगों का कार्रवाई शुरू होगा और जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, वैसे व्यक्तियों को हम लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं, सभी पे कठिन कार्रवाई करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। आपके द्वारा भी मेरा अनुरोध रहेगा मीडिया के माध्यम से, अगर कोई वर्ग, कोई किसी भी गांव के, किसी भी टोले के किसी जन को अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह के द्वारा चुनाव में वोटिंग करने से दूर रखने का इंटेंशन के साथ अगर कोई प्रलोभ देते हैं या डराते हैं, अपनी इच्छा के विपरीत उनको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं, वैसे व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना कृपया आप डायल 100 पे या संबंधित सिविल या पुलिस पदाधिकारी से आप मिलकर सूचना दे सकते हैं, ताकि चुनाव के पहले ही वैसे व्यक्तियों को के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। 2014 में जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, इस बार भी वैसा ही होगा। उपायुक्त महोदय ने बताया कि बैठक SDO और SDPO साहब लोग के साथ की गई थी। एक तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेके थी और जो मुख्य बिंदु था वो सुरक्षा को लेके,
किस तरह बूथ और बाकी जो जगह है जो इलेक्शन से रिलेटेड है वहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो पर्याप्त मात्रा में बल हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोगों ने एक प्लान बना लिया है कैसे फोर्स को कहाँ पे यूज़ करना है, हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा कि हम लोग एक ऐसा माहौल में इलेक्शन कराएं कि जहाँ आदमी बेखौफ होकर आ सकते हैं, अपना वोटिंग राइट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पैरामिलिट्री, जिला पुलिस, होमगार्ड सभी को टेक्टफुली यूज़ करके अलग अलग जगह पर हम लोग फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि एक अच्छे एनवायरमेंट में वोटिंग होगा। अपर उपायुक्त जयकिशोर प्रसाद ने आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि झिकपानी, हाटगमरिया और जगन्नाथपुर मार्ग में चल रहे भारी वाहनों और चार पहिया वाहनों के चालकों की नियमित रूप से जांच करें। जो लोग नशा करके गाड़ी चलाते पकड़े गए उनका लाइसेंस निलंबित किया जाए। हाटगमरिया और झिकपानी में साप्ताहिक हाट के दिन स्थिति बिगड़ जाती है, सड़क से पार होना मुश्किल हो जाता है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अंचलाधिकारी को सड़क चौड़ीकरण के लिए नक्शा के अनुरूप 15 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में दोनों बाजारों में क्रैश बैरियर और पेवर ब्लॉक लगाने की बात कही गई, ताकि लोग फुटपाथ पर पैदल चल सके। एनएच के कार्यपालक अभियंता रामविलास साहू ने बताया कि हाटगमरिया जैतगढ़ और चैमासा चक्रधरपुर मार्ग की मरम्मत की जा चुकी है। जैतगढ़ से कराईकेला एनएच 75 में अगले माह स्पीड ब्रेकर लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भरभरिया मार्ग स्थित संकीर्ण पुलिया का चौड़ीकरण किया जाएगा, साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा। आज की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दो पहिया, चार पहिया में जो ओवर स्पीडिंग है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि व्यापक रूप से इसकी जांच की जाएगी एनएच में, खासकर हटगमरिया झिकपानी जो रोड है, और अगर वो लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनका हम लोग लाइसेंस रद्द कर देंगे, और लाइसेंस रद्द करके पूरे झारखंड में ये हम लोग मैसेज देंगे कि ये शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण इनका लाइसेंस रद्द किया गया। इसके साथ साथ हम लोग, अब इलेक्शन सामने आ रहा है तो प्रत्येक दिन हम लोग वाहनों की जांच करेंगे, ये प्रत्येक दिन जांच होगी, चाहे वो दो पहिया हो या चार पहिया हो, इसकी प्रत्येक दिन जांच होगी। और हम लोगों का ये नियम अब हो गया है कि ऑनलाइन ही हम लोग उनको फाइन करते हैं, चलान कटता है और सब कार्रवाई होती है। ट्रिपल राइड में भी हम लोग जांच कर रहे हैं, आज से पुनः जांच का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। हेलमेट, ट्रिपल राइड में भी हम लोग अब ये करेंगे, पहला तो उनका लाइसेंस चेक करेंगे कि जो लड़का चला रहा है उसको लाइसेंस है कि नहीं, और अगर ट्रिपल लाइट होगा तो उनके गार्जियन को बुला करके काउंसलिंग करेंगे और उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि ये पहली बार है, अगर दूसरी बार ये पकड़ाएगा तो हम लोग कानूनी कार्रवाई इस पर करेंगे। 2 मार्च को रांची के मोहराबादी में होने वाली परिवर्तन रैली को लेकर कांग्रेस के लोगों ने आज शहर में जन जागरण अभियान चलाया। कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें वरीय उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला सचिव टिंकू यादव, प्रदेश महासचिव स्वास्थ्य विभाग त्रिशानु राय, बामिया बारी नीरज झा, नंद गोपाल दास, असरफुल होदा, संतोष खलको, मनोरंजन दास सहित अन्य लोग शामिल हुए। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी ने आज आकाशवाणी चैवासा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम प्रमुख और आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी नूतन प्रसाद कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह लोग बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर गए हुए हैं और खुद को बचाने के उद्देश्य से अलग अलग अवकाश के आवेदन कार्यालय में अपने विश्वासी के पास छोड़ गए हैं, जबकि कार्यालय प्रमुख को केंद्र प्रमुख का भी प्रभार दिया गया था एवं उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ अपर महानिदेशक कोलकाता के कार्यालय से ही प्राप्त हो सकती है, जबकि ऐसा कोई पत्र आकाशवाणी के चैवासा कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। आयोग के उपाध्यक्ष
अशोक सारंगी ने इस पर भारी नाराजगी जताई। कार्यक्रम प्रमुख गौरव शिखर राय और नूतन प्रसाद की बायोमेट्रिक उपस्थिति का ब्यौरा भी उन्होंने मांगा, लेकिन कार्यालय वह भी देने में असमर्थ रहा। अशोक सारंगी ने आकाशवाणी चैवासा के कार्यक्रम प्रमुख श्री राय एवं आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी श्रीमती प्रसाद, जो रिश्ते में पति पत्नी भी है, की कार्यशैली पर घोर आपत्ति जताई। आयोग के उपाध्यक्ष ने कार्यालय में उपस्थिति कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती विजय कलुन्ना से जब पूछा कि आकाशवाणी चैवासा केंद्र ने संसद के बजट सत्र की समीक्षा का प्रसारण क्यों नहीं किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जबकि आकाशवाणी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि संसद समीक्षा का प्रसारण किसी केंद्र में न किया गया हो। इसके लिए कार्यक्रम प्रमुख को पूरी तरह जिम्मेदार बताते हुए आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी ने इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं आकाशवाणी महानिदेशक को पत्र लिखने की बात कही। पुलवामा की घटना का आज बदला भारतीय सेना के द्वारा लिए जाने के बाद चैवासा में काफी खुशी देखी जा रही है। हर तबके के लोगों ने भारतीय सेना के बदला लेने पर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की, तो युवाओं ने शहीद पार्क के पास जमकर आतिशबाजी भी की। पार्क के पास से जाने वाले राहगीरों को रोककर मिठाइयां खिलाई गई। लोगों ने भारतीय सेना की बहादुरी का जमकर तारीफ की। शहीद पार्क के पास पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की गई। लोगों ने कहा कि मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। युवाओं ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि पीएम उन्हें भी मौका दे तो वे लोग सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान से 40 जवानों के शहादत का बदला लेंगे। पूरे देश में आज खुशी से दिखाया जा रहा है। कौन थे यहाँ आकर के? श्री कुमार राम जी अब यहाँ करके अपनी सद्भावना को व्यक्त करें। इधर आइए, इधर इधर इधर। सारे विरोधी पार्टी के मित्र ने हमसे पूछा कि जी भाई आप बताइए नरेंद्र मोदी किसे कहते हैं? संस्कृति को सुसदन रखे नरेंद्र मोदी उसे कहते हैं जिनके दिल में मातृभूमि का पूजनीय हो। आज पूरा देश उनका गुणगान कर रहा है। आज इस अवसर पर एक सहज संयोग है कि आपने अभी सुना कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं इस देश को मिटने नहीं दूंगा, मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, और इसी कारण आज ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पर हमारी वायुसेना ने आक्रमण किया और उसके करीब 300 आतंकवादियों का सफाया किया। हम उस संकल्प के लिए आज जीवित हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और इस देश का हर नागरिक आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पीछे है कि आज कोई भी स्वाभिमान के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई भी भारत को आज चुनौती देगा तो हम उसे नस्तानाबूद कर देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम अपने देश के गरीबों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के महिलाओं के लिए, हम अपने देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे देश के हर नागरिक हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए देश एक ऐसा देश है जो एक स्वामी देश है, जो एक श्रेष्ठ भारत और एक ऐसे भारत की कल्पना हम कर रहे हैं जिसमें हर भारतीय नागरिक का योगदान हो। पांड्रासाली ओपी के गालूबासा में बिजली मिस्त्री रांदो बांड्रा की हत्या के मामले का पुलिस ने आज उद्भेदन कर लिया है। घटना के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एसडीपीओ अमर पांडे ने बताया कि 20 फरवरी की रात को रांदो के घर से चोरी करके जा रहे गांव के ही 4 लोग टूनू लोहार, दिर्जा लोहार, मोटू लोहार और डोबरू लोहार की मुलाकात हो गई। गांव के पंचायत भवन के पास दोनों पक्ष में झड़प हुई, जिसके बाद चारों आरोपियों ने मिलकर पत्थर से कुचलकर रांदो बांड्रा की हत्या कर दी। जांच में जुटी पुलिस ने आज सुबह नवामंडी थाना के तोड़े तोपा गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी टूनू लोहार फरार है। 20 फरवरी 2019 को ग्राम गालूबासा पंड्रासाली ओपी अंतर्गत एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसे 4 व्यक्तियों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें उसी गाँव के दूनू लोहार, दिर्जा लोहार, मोटू गोमिया लोहार और डोबरू लोहार के द्वारा
गांव के ही बिजली मिस्त्री रांदो बांद्रा की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई थी। इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य कारण यह था कि उसके घर से लोहे का एंगल और कुछ बिजली का सामान चुरा कर ये चारों व्यक्ति जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं वो ले जा रहे थे, और चोरी करने के क्रम में ही मृतक रांदो बांद्रा के द्वारा उन्हें देख लिया गया, जिसके पश्चात दोनों पक्ष के बीच झड़प हुई और झड़प के दौरान इन चारों व्यक्तियों के द्वारा रांदो बांद्रा की पंचायत भवन के पास पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई। इसके पश्चात एक छापामारी टीम का गठन किया गया और आज प्रातः उक्त चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति गिरजा लोहार, मोटू लोहार एवं डोगरू लोहार को नोआमुंडी थाना अंतर्गत ग्राम तोड़े तोपा से गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शेष जो बचा अभियुक्त दुनू लोहार है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी सघन छापेमारी की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।